हाय फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम बात करेंगे YT स्टूडियो। YT स्टूडियो एक क्या है और एक यूट्यूब के साथ बहुत ही लिंक होता है। ये यूट्यूब का जो हम वीडियो या रील्स डालते हैं वो कितना परसेंटेज काम करता है, पूरा ये YT स्टूडियो कवर करता है। इसका पूरा लेखा झोंका पूरा YT स्टूडियो में चले आता है। तो कुछ लोग कहते हैं YT स्टूडियो में जाके ये सेटिंग करो वो सेटिंग करो, मगर वो तो मुझे कहीं पर भी सही नहीं लगा। तो जब हम YT स्टूडियो ओपन करते हैं तो पहले जो कि आपका चैनल के नाम के साथ आपका जो सब्सक्राइबर्स है वो चले आते हैं। फिर नीचे देखे तो चैनल में आपका व्यू कितना है वो आता है। फिर राइट साइड में आपका वॉच टाइम दिखता है। दोस्तों सही है यहाँ तक। फिर डायरेक्ट नीचे देखे तो डैशबोर्ड दिखाई देता है और आपका कंटेंट दिखाई देता है और एनालिटिक्स दिखाई देता है और कमेंट्स दिखाई देता है और अर्न दिखाई देता है। और यही एनालिटिक्स को अगर हम ओपन करें तो ऊपर कुछ और ऑप्शन हमको दिखाई देता है, जैसे एक है रिचार्ज ओवरव्यू और है कंटेंट और ऑडियंस। तो डैशबोर्ड का काम क्या है, डैशबोर्ड हम दबाने से पूरा आपका लिस्ट बाहर निकल जाता है कि ये वीडियो इतना बार देखा गया है दोस्तों। और है आपका कंटेंट, जो कि ये आपका जो वीडियो का जो लिस्ट होता है शॉर्ट्स हो या वीडियो हो वो लिस्ट आपको शो करता है। फिर आया आपका एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में हम प्रेस करते ही ऊपर भी और चार ऑप्शन चले जाते हैं, मगर नीचे एनालिटिक्स अगर देखें तो पूरा आपका परसेंटेज के साथ पूरा जो कि एक एक वीडियो आपको कितना बार देखा गया है कितना परसेंटेज हो चुका है पूरा जो कि बाहर आते हैं। और कमेंट्स वो तो आप जानते हैं, और अर्न जो पैसा का चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है वो उसे देख सकते हैं। ओके दोस्त, अभी जो एनालिसिस एनालिटिक्स जो है उसमें हम प्रेस करने के बाद ऊपर चार ऑप्शन आते हैं। एक रिचार्ज जो हम सर्च किसी भी चैनल को उसके द्वारा सर्च कर सकते हैं। अब जो और एक है ओवर व्यू, जो हमारा जो वीडियो है कितना आदमी देख चुका है दोस्तों। और एक है कंटेंट, वही जो कि आपका लिस्ट मिल जाएगा। और ऑडियंस, आपका वीडियो कहाँ कहाँ से आदमी देख रहा है। और उसमें ऑडियंस में है ऑप्शंस रिटर्निंग व्यूवर्स, और एक है न्यू व्यूवर्स। रिटर्निंग व्यूवर्स बोल तो जो डेली जो कस्टमर है जो आपका ही वीडियो देख रहे हैं उससे रिटर्निंग व्यूअर्स कहते हैं। और ऑडियंस जो इंडिया से बाहर का देश कंट्री से भी आपका वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें जो ऑडियंस है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें नया ऑडियंस भी आपका वीडियो देखते हैं, जो पुराना जो आपका सब्सक्राइबर्स करने वाला आदमी है आपके चैनल को उन भी आपका वीडियो देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें कुछ लोगों का कहना है YT स्टूडियो में जाके ये सेटिंग करो वो सेटिंग करो, तो हमें तो कुछ भी नहीं दिखा, हमने इतना ट्राई की है कोशिश की है। तो इस बात पर आप विश्वास ना करें, आपका वीडियो में क्लैरिटी होना चाहिए, सीन अच्छा होना चाहिए जो दूसरे आदमी का उपाय हो यूज़ कर सके वो देख कर। यही जो कि वीडियो यूज़ होने का लाभ देता है दोस्तों, और लाइक भी आता है इससे।
जो आदमी आपका वीडियो देखता है तो उनको दिमाग में कुछ ज्ञान भी मिलना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, वाईटी स्टूडियो है एक आपका यूट्यूब का सारांश कहते हैं, जिससे हम सारांश जो है पूरा उसमें ही मिलता है दोस्त। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों।